नोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपना कर्व, धीरे से यहाँ आया इस पॉइंट का मेजरमेंट तुम लोगे 2.6 से, कितना आ रहा राइट 1 सेंटीमीटर एकदम सेंटर में ये, ठीक है। फिर नोज नीचे आगे बढ़ी और फिर यहाँ टच करी। अब तुम देखना इस पॉइंट को टच करने से पहले वो कर्व लेके पीछे गई है, तो ये वाला पॉइंट निकालो, ये आ रहा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जस्ट इसके नीचे। फिर ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो वो कैसे होगा? तुम्हें पता है कि यहाँ से उठ रहा है, ये कितने दूर है? जैसे ये वाला जो बेस रहता है ये फ्लैट है थोड़ा, ये इस लाइन से कितना दूर है? तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है, या 1.1 सेंटीमीटर है ये। तो 1.1 सेंटीमीटर पे एक लाइन ऐसे बना लो, ये कितना ऊपर जा रहा, कितना ऊपर का मतलब ये होता है ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा ना, यहाँ से लेफ्ट टर्न मार रहा है ये, तो तुम्हें ये वाला पॉइंट है, तो ये तुमने लिया तो ये आता 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 से ऊपर। और फिर ये नॉस्ट्रल वाला देखो, ये कितना नीचे है इस पॉइंट से, 1 सेंटीमीटर, 1.1। इस तरीके से तो मैंने 3 डॉट्स ली यहाँ पे नोज स्टेम के लिए, 2 से 3 डॉट्स ली मैंने नॉस्ट्रल के लिए। तो अब थोड़ा अलग है अपना इसमें नोज, एक बार में सिंगल कर्व नहीं है। तो मैं एक चीज का और मेजरमेंट निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा है ये, तो इसका क्या करना है तुम्हें, कितना लेफ्ट है इस पॉइंट से, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से ऐसे कर्व करते हुए थोड़ा नीचे आएगा, ये देख सकते हो कितना नीचे आया, वो भी देख सकते हो कि ऊपर इस लाइन से कितना नीचे है ये, 1 सेंटीमीटर, ओके। सो हियर, तो तुमने देखा कि यहाँ कर्व आया, थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो यहां से तुम्हें पता है यहाँ कर्व आया। अरे देखो जैसे आगे की तरफ बढ़ाई, कर्व आके आगे बढ़ा, अब ये नीचे आ गया, एकदम वर्टिकली ज्वाइन नहीं करोगे इसे, तुम्हें पता है कि मैंने बताया कि ये वाले पॉइंट से थोड़ा ऐसे कर्व ऊपर की तरफ उठा है, फिर नोज आई है और फिर ये कर्व करते करते ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके से बनती है नोज, थोड़ा सा हिस्सा आगे आएगा ये, फिर एकदम वर्टिकली नीचे और फिर कर्व करते हुए आगे। फिर नॉस्ट्रल वाला पोर्शन आता है, नॉस्ट्रल वाला पोर्शन ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से ये अपना कर्व करते हुए आया। बेसिकली मेन चीज यहाँ से है, ठीक है, इस पॉइंट से ये उठाया अपन ने, स्ट्रेट गए। अब यहाँ से तुम एक काम कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया कि बीच में कोई भी पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये पॉइंट निकालना मुझे, तो मैं देखूंगा ये नीचे वाली लाइन से कितना ऊपर है, 1.3 सेंटीमीटर, तो 1.3 सेंटीमीटर मैं यहाँ से मार्क कर दिया, तो मैं वहां पे एक लाइन सी खींच लूंगा, ठीक है। अब ये इस लाइन से कितना राइट में है, तो उस पे आया 0.4, तो इस लाइन पे 0.4 पे मैं कट करूंगा, तो यही पॉइंट आ रहा था, ठीक है। तो तुमने कर्व किया यहाँ पे, पॉइंटेड पोजीशन ही बनाना है, अरे यहां से नीचे ले आया तुरंत, तो ये अपनी नोज तैयार हो जाती है इस तरीके से। इसको थोड़ा नॉस्ट्रिल को थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा पतला रखना है इसको इस तरीके से, बेस अपना इसी लाइन पे, तो ये नॉस्ट्रिल बन जाती है। आईब्रो की बात आती है, तो आईब्रो यहां से ऐसे कर्व करते हुए धीरे से ये हो गई। ये मेजरमेंट के साथ करना आईब्रोस तुम, कि कहां से निकल रहा है कितने, जैसे मेरा तो जस्ट इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे निकल रहा है, ओके। तो मेरा ये बन जाता है लेफ्ट आईब्रो और नोज, तो पहले इतना कर लो। तो देखो लेफ्ट आई ड्रॉ करना है अपन को, यहाँ देखो ये चीज मेरी इस लाइन पे ही आ रही है, मेरी पूरी आए इस लाइन पे ही है, तो ध्यान से देखो कि 0.9 सेंटीमीटर व्हाइट वाला पोर्शन ड्रॉ करना है अपन को, जो व्हाइट वाला पोर्शन है आई का, व्हाइट वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। फिर ये 1.1 सेंटीमीटर और ये 0.8 सेंटीमीटर, ओके। तो 0.8 सेंटीमीटर ये हुआ, 1.1 ये हुआ। अब तुम्हें एक और चीज मेजर करनी होती है कि मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, तुम कर्व तो बनाते हो, मतलब तुम एकदम ऊपर पहुंचा दो या एकदम फ्लैट रख दो, तो तुम्हें इसका डिस्टेंस ऊपर वाली लाइन से करो, तो वो कितना आता, वो आता 0.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ तुमने मार्क किया 0.7 सेंटीमीटर, ओके। नीचे वाले का करो कि ये जो है कर्व इस लाइन से कितना ऊपर है, तो वो आता है तुम्हारा 0.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ मार्क किया
6 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे एक एंड यहाँ हो रहा है और एक ऐसे ही यहाँ हो रहा है, तो तुम्हें क्या सिंपली करना, इसको स्ट्रेट नहीं रखने की जगह कर्व के साथ करो, हल्का सा नीचे और इसे हल्का सा अपवर्ड फेसिंग, ठीक है। ये बनाया अपन ने, इसके ऊपर जो एक और कवरिंग सी है, कर्व है ये, इसे ड्रॉ किया। अब आईलैशेस बनाने हैं तुम्हें थोड़े से, लेकिन वो बनाने से पहले जो एक आउटर डार्क लाइनिंग है जैसे इसके ऊपर है, ये बना ली मैंने। इसके नीचे आईलैशेस जो आती ना नीचे वाली, उसके लिए, और थोड़ा सा जो आंखों के नीचे सॉलिड पोर्शन रहता है ये। अब यहाँ से हल्की हल्की आईलैशेस, तुम्हें पता है आगे की आईलैशेस छोटी रहती है, पीछे की आईलैशेस थोड़ी ऐसे बड़ी बनानी, या नीचे वाली भी ऐसे थोड़ी बड़ी बना सकते हो पीछे की तरफ। ये सब हल्का सा एक इफेक्ट देने के लिए, तुम्हें एकदम भरने की जरूरत नहीं है अभी। आयरिस बहुत जरूरी है, आयरिस का प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि तुम एकदम एक को लेफ्ट एक को राइट कर दो। इस पे देखो तुम ध्यान से कर्व जो दिख रहा है, और फिर यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है, ठीक है, सर्कल कोई नहीं बनाएगा, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व, फिर प्यूपिल का जो सर्कल आता है अपना, वो ऐसा नहीं कि तुम ऊपर नीचे कर दो, फिर वो अजीब लगेगा, ठीक है। तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पॉट पर तो इस तरीके से अपनी लेफ्ट आई बनती है, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन में रखते हैं अपन, फ्लो में रखते हैं, राइट आई भी बनाते हैं। तो राइट आई कैसे होगी, अपनी राइट आई की टिप देखो, इस लाइन से कितना ऊपर है, 1 सेंटीमीटर, ओके। इस लाइन से कितना राइट है, 0.9 सेंटीमीटर, तो इस लाइन से है 0.1 सेंटीमीटर ऊपर, तो यहाँ पे रखा मैंने। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट को 0.9 सेंटीमीटर, तो एक्यूरेटली यहीं से आ रहा है। अब मैं ऊपर उठा, ठीक है, यहाँ गया, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना नीचे है, 0.4 सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट इससे कितना ऊपर है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मार्क किया मैंने 0.4 और यहाँ पे मार्क किया 1। एंड पॉइंट इस लाइन से कितना ऊपर है, 1.4 सेंटीमीटर, और इस लाइन से कितना राइट है, 0.8 सेंटीमीटर। तो 1.4 मैंने यहाँ मार्क किया और 0.8 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, ठीक। अब आई का शेप ऐसे नहीं है कि तुम यहाँ को यहाँ टच करो, यहाँ नहीं, तुम देखो अगर तो हल्की सी एक टिप बनी छोटी सी, ओके। इस पॉइंट को टच करने से पहले एक पीक आ रही है, ये पीक आ रही है, यहाँ पे एकदम ऊपर पहुंच गया, और फिर इस पॉइंट को जैसे क्रॉस किया उसके बाद नीचे धीरे धीरे आने लगा और ये आया। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे धीरे धीरे कर्व आएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद वो ऊपर मीट करेगा यहाँ पे। इसकी थोड़ी एक आउटलाइन सी दे देंगे, आउटलाइन तभी देना जब तुम्हें लगे कि हाँ आई सही आ रही है, शेप सही आ रहा है। इसके बाद एक और कर्व जो आ रहा है इसका, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे जो लोअर आईलैशेस वाला हिसाब आता है अपना, ये आया, थोड़ा हल्का सा सॉलिड पोर्शन जो रहता है वो बनाया। जो आईज तरीके से आ रहे हैं ना, ये अपना स्ट्रोक्स। फिर प्यूपिल, प्यूपिल तुम इस तरीके से आराम से एक कर्व यहाँ पे, एक कर्व यहाँ पे, ओके। इस तरीके से अपनी आई बनती है, ओके। अब आई ब्राउज भी बनानी बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, फिर नीचे इसको क्रॉस कर रहा है यहाँ, ये तुम्हें मेजरमेंट के साथ बनाना है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ एंड हो रहा है। फिर ऊपर वाले का देखो, तो ऊपर वाला कितना ऊपर है इस पॉइंट से, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हें मेजर है शेप्स, ठीक है, तुम्हें जरूरी है शेप बनाना इसका। तो आईब्रो ये वाला हिस्सा थोड़ा टेढ़ा, फ्लैट चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, एक धीरे से उठेगा इस पॉइंट पे और फिर यहाँ आके इसको टच करेगा, ठीक है। फिर इस पे जाएगा धीरे, आगे का हिस्सा थोड़ा मोटा है, ठीक है, इसी के साथ उठेगा, इस पॉइंट को क्रॉस करा, थोड़ा आगे गया और ऐसे पीछे आते आते ये पतला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी आईज बन जाती है। आईज का ये पोर्शन थोड़ा जो आगे का है, यहाँ का है और टिप का है, थोड़ा सा डार्क कर लेना, और हल्के हल्के आईलैशेस या तो तुम अभी निकाल सकते हो, अच्छा रहता है, थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, ओके। इस तरीके से अपन ने आईब्रोज और आईलैशेस बना लिए। लिप्स अपन जो बना रहे हैं,
इसमें प्रिंट आउट में दिखे ना दिखे, ये हल्का सा जो कर्व शेप रहता है वी शेप वो है, ठीक है। तो तुम्हें देखना है वी शेप कहाँ पे है सेंटर से, इस लाइन से कितना नीचे है, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 आई हैव मार्क्ड हियर, ओके। फिर नीचे वाला कर्व कितना होता है जो सेंटर में है, वो होता 1.6, तो 1.6 यहाँ मार्क किया मैंने, ठीक है। तो फिर लोअर लिप कितना नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये है 0.5 सेंटीमीटर ऊपर, और इस लाइन से कितना लेफ्ट में, 0.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 0.7 सेंटीमीटर और यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर यहाँ का एंड पॉइंट तो ये वाला पॉइंट देख सकते हो 0.6 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा आगे खत्म होगा, तो यहाँ तो अपने को तीन पॉइंट मिल गए, जो अपना कर्व आता ना, एक ये ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, ठीक है, दो एंड पॉइंट मिल गए। तो अपन एडी का यूज करेंगे। अब तुम लोग गलती क्या करोगे, वी शेप बहुत ऐसा बड़ा बना दोगे, नहीं, यहाँ से ये हल्का से ऐसे वी शेप आएगा और ये यहीं पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा बिना किसी कर्व के, ठीक है, ये भी बिना किसी कर्व के यहाँ ऐसे ज्वाइन होगा, क्यों, क्योंकि अपने रेफरेंस में कोई कर्व नहीं है। फिर यहाँ से पीछे की तरफ आएगा ऐसे एक लाइन, यहाँ पे एक हल्का सा कर्व होगा, ठीक है, वो हल्का सा कर्व ये ज्वाइन किया, फिर यहां से एक और ऐसे लाइन जाएगा, तो लोअर लिप पे आ जाओ। लोअर लिप अपना क्या है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो तुम्हें पता है यहाँ से थोड़ा सा बेस है, उसके बाद ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है और यहाँ से, तो यहाँ से तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर, और ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, एंड पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है, उससे पहले से थोड़ा कर्व होके होगा। फिर ये वाला पॉइंट जो आता है, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड कितना है, 0.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक ऐसे थोड़ा बेस चला और इधर पे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे कर्व हो गया, ओके। तो ये अपना जो लिप्स है वो भी ड्रॉ हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या करना है, ये हल्का सा यहाँ पे लिप्स के ऊपर ये वाला जो आता है ना नोज और लिप्स के बीच में, ये हल्का सा ड्रॉ करना है ऐसे बहुत लाइटली। फिर उसके बाद जो ईयर्स आते हैं, ईयर्स तुम्हें क्या करना होता है, थोड़ा हल्का सा अंदर शेप देना होता है बस, जैसे डार्क जो हैचिंग वाला पोर्शन है तुमने इसका दिया, फिर ये वाला जो पोर्शन आ जाता है तुमने इसका दिया, फिर हल्के हल्के ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपन उतनी अभी एकदम हैचिंग और शेडिंग में नहीं आ रहे, लेकिन हल्का सा ये वाला जो पोर्शन है ना, इसने ऐसे ड्रॉ किया है जो ये चीक बोन्स वाला, अपन हल्का हल्का पेंसिल से अभी थोड़ा सा बना लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये कर्व्स आ रहे हैं, फिर नोज से देखो ऐसे ये कर्व्स निकल रहे हैं, यहाँ से थोड़े कर्व जा रहे हैं ऐसे, फिर फेस के जो एक्सप्रेशन रहते हैं, यहाँ पे देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये थोड़ा नीचे की तरफ कर्व आ रहा है, तो ये जो थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन मैंने फेस पे डाले हैं ये जरूरी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हैचिंग वाला, हैचिंग के लिए जो स्केच बनाया अपन ने वो कंप्लीट हो जाता है ग्रिड मेथड से जो बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये जो ग्रिड्स हैं इन्हें आराम से इरेज कर लेना, और कोशिश करना कि कोई भी चेहरे का अगर कोई पार्ट इरेज हो गया तो उसे रीड्रॉ कर लो, ये जो एक्सप्रेशन अपन ने जो बनाए ना थोड़े थोड़े ये भी, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में हैचिंग स्टार्ट करेंगे।